पिछले कई दिनों से कई पोचे की टीम ने काफी लोकप्रियता हासिल की, कई जगहों पर जाकर किया प्रमोशन, लोगों से हुए रूबरू। इस दौरान वह पहुंचे अंधेरी के चित्रकूट ग्राउंड में द टाइम्स ऑफ इंडिया वॉइस ऑफ अंधेरी 2013 के आयोजित कार्यक्रम में। उसने बोला कि कास्टिंग तो हो गई है, कुछ बचा नहीं है तेरे लायक, तो क्या करेगा, एक आध सीन करो। मैं बोला ठीक है। फिर मैं कोलकाता में था, मुकेश ने बोल दिया कि तू कल आ जा। मुझे आना नहीं था, मुझे कहीं और जाना था जैसे मैं, बट ये जबरन बुलाया कि नहीं तू आ जा, एक रोल है तू ही कर सकता है, तू आ। अगली सुबह मुंबई पहुंचा, मैं बीमार भी था। 8-9 घंटे कुछ, हम दोपहर 12 से लेकर और रात के 8 बजे तक मैं करते करते थक गया था, और ये लोग ऑडिशन करवाते करवाते थक गए थे। सत्या था, मुकेश थे, आकाश था, और बीच में ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो तब तक मैं अनुराग से कभी मिला नहीं था। तो हम कुछ कर रहे थे, पीछे से एक आवाज़ आई, कैसे हैं आप? मैं बोलकर देखा तो अनुराग खड़े हैं, मतलब मेरी हंसे रुक गई थोड़ी देर के लिए, कहें ये तो इधर ही खड़ा है। उसने इतनी बात कही थी कि आप एक्टिंग वक्टिंग मत करना, बस बहुत ही नॉर्मल कर दो कुछ। मैं बोला जी बस वहीं प्रयास कर रहे हैं, कुछ नॉर्मल सा हो जाए। बड़ा मुश्किल होता है नॉर्मल करना वैसे। मुकेश जैसे लोग हैं, जो भी कास्टिंग में लोग हैं, खास कर ये कि यहाँ तो कुछ नहीं दिखा, हमने सारे सीन जितने फिल्म में हैं वो सारे सीन हमने किए, और ऐसे किए कि अगर वो हैंडीकैम के बजाय कोई अच्छा कैमरा होता तो हम उसी को एडिट करके फिल्म में डाल सकते थे। कुछ सीन तो इतने अच्छे थे जो फिल्म में भी उतने अच्छे नहीं बने, क्योंकि लोकेशन अलग था, चीज़ें अलग थी। तो मैं तो खर्च हो रहा था वासेपुर के पहले फिल्मों में, एक एक सीन दो दो सीन करके। अभी भी कुछ फिल्में हैं जो वासेपुर के पहले की थी, वो आई हैं, खर्च हुआ उनमें भी। हाँ, एक्टर होता है ना, बहुत सारे आप जितने बैठे हैं तमाम एक्टर बहुत तो बहुत टैलेंटेड होंगे, पता नहीं कौन से शहर से, कौन सी गली से, कहाँ से अभिनय सीख किया, क्या अप्रोच रखते हैं एक्टिंग का, सबके पास होगा कुछ खास, हर किसी के पास। पर वो किसी की नजर पड़े या कोई रोल हो जो आपके लिए बना हो और आप उसमें लक और लुक दोनों बैठ जाए और हो जाए, तो फिर खेल हो जाता है, वरना हम खर्च ही होते रहते हैं यार। और इसी प्रोसेस से तीनों निकले, तो राजकुमार के साथ मैंने पहले कभी काम किया हुआ था, तो जब मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा था मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि तीनों के अंदर कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, इसलिए मैं उन तीनों को एक साथ ऑडिशन किया केमिस्ट्री देखने के लिए, बिकॉज दिस इज व्हाट यू वांटेड टू से। तो जैसे आपने देखा तो इसमें से ऐसे दो तीन लोग यहाँ भी होंगे जिन्होंने शायद उस फिल्म का ऑडिशन दिया होगा, बट क्योंकि बाकी अमित अमित को कहाँ मिला था आप अपना बता दें। ओके, मुझे तारीफ करनी पड़ेगी। वेल, ऑन अ सीरियस नोट, आई एम वेरी थैंकफुल टू मुकेश हाजरा, एंड मोर देन जस्ट like everybody knows that he's such an amazing casting director because he has such a great line of credit on that. But for me personally, I think the best thing about films in India right now is, other than that we're making great cinema, the process of casting has started, which was not here. And for outsiders, which I think most of us are here, we don't belong to Bombay, we don't belong to Bombay, we release it, we don't release it. And then we come to a whole group and we don't understand where to go and what to do. So I think these are great times, and we're very grateful to, you know, I mean, he has a great role in legalizing this process called casting. Having said that, in terms of the movie, I'll just share this with you. I'm sure this, there must be so many of you who must be like Harvey Sal. There must be so many of you who are aspiring to be actors, and I know it can be really lonely and difficult here. मेरे को 5 साल लगे यार यहाँ तक पहुँचने के, और मैं आपसे बयान भी नहीं कर सकता कि 500 लोगों के साथ क्या हुआ है। और कभी कभी ऐसा वक्त होता था कि मैं घर पे बैठता था और अपनी दीवार को देखता था 6-7 घंटे, और मुझे 6-7 घंटे पर रिलाइज होता था कि मैं सिर्फ दीवार को देख रहा हूँ। कभी कभी मैं DVD लगाता था पिक्चर देखने की, और पिक्चर खत्म होने के बाद लगता था मैंने कुछ देखा ही नहीं। सो आई वॉज आई नो व्हाट आई गो थ्रू, सो आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट आई जस्ट थिंक दैट यू जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड यू जस्ट कीप ट्रैवलिंग casting directors like Mukesh Chhabra on and on. And I met this guy 3 years back. I mean, 3 years back, I had a kind of, you know how we are. So
सर फोटो ले लो, किसी चीज़ की कास्टिंग चल रही है देख लो, बहुत कमाल कर सकता हूँ. सो माई प्रोसेस He's too big for me now, so I don't think so I would stand a chance to audition him. And I think what I really salute his vision that after 3 years of knowing that I exist in the city and I'm an actor who's aspiring to look for work, this man remembered me. You know what I mean? And that was like, that has to be somebody really visionary, and he calls me and he gave me a chance. Another thing now, I mean, we all have been auditioning. We've been auditioning for 10 years, and I remember when Mukesh was conducting his workshop with you guys, and he mentioned that when you go for other auditions, how you should expect or how you should. I know when we are new, he says that you go and tell them as audition, you know, it's not easy. If you go and tell somebody as audition, you know, it's okay. But I've been auditioning for 10 years. My best experience and my best auditions have been with this man. No, he just doesn't give you lines. He actually takes lines away from you. And he helps you become the character. Also because this man understands cinema. He's just not an ordinary casting director who, you know, who gets a certain amount of money. Okay, teen ko le lo. This man is involved in the film. He knows the film. So yeah, so I just wanted to, I'm sorry for taking so much time. Just wanted to elaborate and explain. And just wish you all the best. And I'll give you his number, don't worry. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहिए. आई थिंक आप एक स्पीच उठाइए, उस पर काम कीजिए, एक हफ्ता उसको परफॉर्म कीजिए, प्ले पढ़ते रहिए, किताब पढ़ते रहिए, कोई हिंदी इंग्लिश. बहुत सारे एक्टर थे जिनकी लैंग्वेज ही ठीक नहीं होती है, उनका एक्सेंट ही ठीक नहीं होता है, उनको गुस्सा आता है कि मुझे काम नहीं मिला, मैं तो इतना अच्छा हूँ. तो अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है. तो आई थिंक वो, ताकि जब आप ऑडिशन पर पहुँचें, क्योंकि ऑडिशन ही सब कुछ है, वही आपको फिल्म दिलाएगा या नहीं दिलाएगा. तो आप ऑडिशन तक इतने तैयार होने चाहिए हो कि जब आप ऑडिशन पे पहुंचे तो आपका वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि एज एन एक्टर आई एम रेडी, अभी मैं तैयार हूँ ऑडिशन देने के लिए. तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि आपको अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए. मुझे याद रखते हैं कि हम लोग 1.5 साल मैं और मेरे कुछ क्लासमेट्स, हम लोग डेली कुछ एक्टिंग एक्सरसाइज करते रहते हैं, और आप देखेंगे कि आपको एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है. यू फील सो रिफ्रेश, सो पॉजिटिव, कि आपको लगेगा कि ठीक है 6 महीने काम नहीं मिला, बट एक्चुअली वर्किंग माय सेल्फ, दैट रियली हेल्प्स.